हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत और आप देख रहे हो चैनल बियॉन्ड। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना ओप्पो F7 मोबाइल का जो इंटरनेट स्पीड है उसे आप कैसे बढ़ा सकते हो, आपका इंटरनेट स्पीड आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा लीजिए, ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले सेटिंग्स खोल लेना होगा और सेटिंग्स खोल लेने के बाद यहाँ पर जो सिम कार्ड एंड मोबाइल का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करके सिम नंबर चूज कर लेना होगा। तो चलिए चूज कर लिया। इसके बाद क्या दोस्तों, इसके बाद अगर देखिए आपका डेटा रोमिंग का जो ऑप्शन है ये ऑन नहीं रहता है तो इसे ऑन कर दीजिए, क्योंकि क्या होगा, नहीं तो ये आपका जो नेटवर्क ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं करियर की एक ऑप्शन है, यहाँ पर फिर से क्लिक कीजिए और क्लिक करके अगर ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन का ऑप्शन ऑन नहीं है तो इस मोड को आप ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आप जाइए प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, यहाँ पर कीजिए क्लिक, और क्लिक करने के बाद अगर 2G है, 3G 2G है तो इसे कर दीजिए 4G 3G 2G ऑटो मोड पर। तो आप तो बोलोगे तो सभी जानते हैं, लेकिन चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ इसके बाद भी क्या कुछ करना होगा। इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, इसके बाद आपको जाना पड़ेगा एक्सेस पॉइंट नेम। तो चलिए खोल लिया, और यहाँ पर जो एक्सेस पॉइंट नेम इसका राइट साइड में क्लिक कीजिए। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जो नेम का जो ऑप्शन है, APN का जो ऑप्शन है, इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत कीजिए। ओके, आप सीधा चले जाइए नीचे की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो APN प्रोटोकॉल है यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अगर IPv4 है, IPv6 है, इसे चेंज करके कर दीजिए IPv4 and 6 में। और वही सेम नीचे की तरफ APN रोमिंग प्रोटोकॉल यहाँ पर क्लिक करके वही कर दीजिए IPv4 and 6। करने के बाद आप देखिए नीचे की तरफ एक BR की ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद अगर ये अनस्पेसिफाइड है तो इसे LTE मोड पर भी कर दीजिए, LTE मोड ऑन कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर जो सेव का जो ऑप्शन है क्लिक करके ये सेव कर दीजिए। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, आपका जो ओप्पो F7 मोबाइल का जो इंटरनेट स्पीड है वो 50% तक बढ़ने की चांसेस हैं। ठीक है, अगर मैं भी यही करते हैं, ठीक है, अगर इससे भी नहीं होता तो क्या है, आपके पास सिर्फ और एक चांस है कि आप अपना जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, आपका जो कस्टमर केयर है, उसे कॉल कीजिए और कॉल करके बोलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो ज़्यादा 72 आवर्स समय लेते हैं, उसके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।